सर इंडस टावर पे क्या राय बनती? सर इंडस टावर वोडाफोन के जो न्यूज के वजह से इंडस टावर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इनको राइट अप करना पड़ रहा है, इसलिए स्टॉक जबरदस्त ऊपर के लेवल से टूट रहा है। अब ना ही अब एवरेज करें, अब आपके पास है, कंपनी बुरी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ बड़ा एक इनका ऑर्डर में राइट ऑफ करना पड़ा है, बड़ा पैसा राइट ऑफ करना पड़ा है, तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है आने वाले रिपोर्ट में। अब क्वार्टरली रिजल्ट जब आएगा तब दिखेगा। तो हमारे हिसाब से अभी नया तो एंट्री ना करें, ना ही एवरेज करें, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। 200 का भाव चल रहा है, 200 के भाव में आपने लिया है और 137 चल रहा है। मैंने एवरेज भी ना करें, जस्ट होल्ड करें स्टॉक को, और स्टॉप लॉस लगाने की अब जरूरत नहीं है। अच्छा सा टूट गया है, बट एवरेज ना करें। तो ये है व्यू इंडस टावर पे। लोके सर सर पेटीएम एक कैसा दिख चीज रहा है बोलिए, वैल्यूएशन एक में? से मैं अपने स्टॉक जी में एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, कि स्टॉप लॉस तो कहीं ना कहीं लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नहीं लगाया है उन्होंने, तो गिव मी अ सेकंड अगर मैं स्टॉप लॉस दे पाऊँ। जी सर, इसका स्टॉप लॉस आप 120 का लगा लें, तो 120 अगर टूट जाता है तो लाइफ टाइम लो चला जाएगा, जहां से आया है वहां से उससे भी नीचे चला जाएगा। और ये स्टॉक सर 2013 में आया था, 13 के भाव में आ चुका है ऑलमोस्ट, 13 के लोग अगर चला जाए तो वो ज्यादा टूट सकता है, तो 120 का जरूर लगा ले स्टॉप। 120 का जरूर स्टॉप लॉस लगा लें। गिरावट और बड़ी आ सकती है, खबरें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो हम अलग से भी आपको बता सकते हैं कि राइट ऑफ वोडाफोन बहुत सारे चैलेंज हैं।